आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देने वाला हूं जिसमें आप लोग बनाएंगे एक क्लॉक, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और समझते हैं कि एक्सरसाइज किस बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पिछली रैपल में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग एक जोक जनरेटर बना सकते हैं, एक साइट जो कि एक्चुअल में जोक्स आप लोगों को दिखाएगी। ये क्या हो गया, पब्लिश रैपल नहीं, मुझे क्रिएट करनी है एक नई रैपल, 51st रैपल रहने वाली है। यहाँ पर मुझे लिखना होगा 51, आई थिंक ये अटक गया है, 51 अंडरस्कोर एक्सरसाइज 4, और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे HTML, CSS, JavaScript, ठीक है। और इस बार मैं ये वाली टेम्पलेट यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, ऑटो रिफ्रेश वाली। और ये करने के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि ऑटो रिफ्रेश इसमें कैसा काम करता है। ये बेटा में है टैबलेट, तो अगर काम नहीं भी करा तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई विल ट्राई। तो मैं बस यहाँ पर, मुझे कंसोल मिला, शेल मिली, मैं अगर इसको रन करूँ तो ये मुझे देखने को मिला। मैं इसको नई टैब में खोलता हूँ, वेब व्यू को बंद करता हूँ और लोकल नेटवर्क, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मान लो मैंने हेलो वर्ड 3 किया, ठीक है, ये मैं वाली रैपल बंद करता हूँ। मैंने हेलो वर्ड 3 किया, सेव किया, डज इट वर्क, यस इट वर्क, तो ये ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। मान लो मैंने ER करके सेव किया तो यहाँ पर ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा, देखो बढ़िया। तो ये भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, इट वर्क्स। तो मैं भी यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा कि क्रिएट अ क्लॉक यूजिंग JavaScript सेट इंटरवल मेथड। बहुत सिंपल है, बस मुझे UI देखना है सबका कि लोग कितने अच्छा अच्छा UI बनाते हैं, ये देखना है मुझे, ठीक है। ये तो हो ही जाएगा, ये तो डन है यार क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी एक्सरसाइज 4 में कि क्रिएट डिजिटल सेकेंड्स क्लॉक यूजिंग सेट इंटरवल एंड डेट ऑब्जेक्ट इन JavaScript। डेट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट द डेट, टाइम, आवर्स एंड सेकेंड्स विच कैन देन बी अपडेटेड यूजिंग सेट इंटरवल। UI को अच्छा रखना है यार प्लीज़। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को script.js दिखा देता हूँ और ये बाकी की टैब्स यार बंद करेंगे, और मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। मैं रन करूँगा तो मुझे वेब व्यू दिख जाएगा, नाइस यार, ये बढ़िया है, ठीक है। और मैं इसको अभी के लिए बंद करूँगा और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो आपने कुछ इस तरह का काम किया, आपने कहा कि let a is equal to new date, ठीक है, और ये आप लोग करोगे। और आप लोग अगर लिखो, देखो यहाँ पर आ गया, let h is equal to get hours let m is equal to get minutes, और मान लो आपने लिखा यहाँ पर let s is equal to get seconds, ठीक है, और let d is equal to get date, और आप कंसोल डॉट लॉग करते हो, क्या बढ़िया, HMSOD, ठीक है। तो क्या होगा, तो मैं एक काम करूँगा कि हमारा जो ये, इसको स्टॉप करके रन करूँगा एक बार ताकि मुझे कंसोल देखने को मिले। नई टैब में ये खुला, इसको करूँगा बंद वेब व्यू को यहाँ से, और अपने कंसोल को देखकर आप लोगों को दिखाऊँगा कि यहाँ पर आप देखो 1359 ये आ गया, ठीक है। तो ये टाइम यहाँ पर हमें देखने को मिल गया, और सेकंड्स भी देखने को मिल गए, डेट भी देखने को मिल गई, सब कुछ देखने को मिल गया। तो इस तरह से आप लोग क्लॉक बना सकते हो। मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, ना स्पॉयलर्स आ जाएंगे, और स्पॉयलर तो क्या है यार, कोई ऐसी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने बता दिया था, मैं बस आप लोग को डेट के बारे में नहीं बताया था, बट डेट ऑब्जेक्ट के बारे में क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आप लोग को ये काम करना है। बहुत ही सिंपल है, आप डेट ऑब्जेक्ट बनाकर सारी की सारी डिटेल्स ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ट्राइंग घोस्ट राइटर, गेट फीडबैक। सो मेरा फीडबैक काफ़ी बढ़िया है रैपलेट को, घोस्ट राइटर कितना बढ़िया है, हमने पूरा का पूरा लिख दिया, सब टाइप करना पड़ता है अभी हमको, ऑसम। सो अगर आपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो गाइस इसको ज़रूर एक्सेस कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।